विद्या विलासेन भूतभौतिक सृष्टया तन्नौमि परमात्मान सच्चिदानंद विग्रहं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो। पर्वतो वहनीमान इत्यादौ च पर्वतांशे वहन्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण। पर्वतो वहनीमान इत्यादि स्थल पे इस इत्यादि ज्ञान में पर्वतांशे वहन्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण। पर्वतांश में वृत्ति अलग है, प्रत्यक्ष जो है चक्षु सन्निकर्ष जन्य है, और वहनीअंश में चक्षु सन्निकर्ष जन्य नहीं है, इसलिए वहनी देश में वृत्ति नहीं बनेगी बल्कि हृदय में ही वृत्ति बनेगी। तो इस तरह से अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण है। पर्वत अंश में और वहनीय अंश में अंतःकरण वृत्ति भेद माने, अलग अलग वृत्ति मानी गई, इसलिए तत्त वृत्ति अवच्छेदक भेदेन। वृत्ति रूपी अवच्छेदक भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं, अवच्छेदक अलग अलग हो गया, इसलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व और एकत्र चैतन्य वृत्तव न विरोधः। एक ही चैतन्य में परमारूपी चैतन्य, परमात्मक चैतन्य, चैतन्य कर दिए परमारूपी चैतन्य, परमात्म चैतन्य है वेदांत में, तो वहाँ पे अलग अलग प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का अभेद हो जाए तो ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाता है। किंतु वहाँ पे हाँ, जब पर्वत पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और पर्वतावच्छिन्न चैतन्य दोनों का तो अभेद हो गया, इसलिए एक ही प्रमा में वहाँ पर्वत अंश में ज्ञान क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अपरोक्ष हो गया, किंतु वहनी अंश में वहन्यावच्छिन्न चैतन्य अलग पर्वत में है वहाँ पे, और वहन्याकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अंतःकरण में है, इसलिए वहाँ पे तो अलग अलग हो गया, एक देश में स्थित नहीं हुए, इसलिए वहाँ परोक्ष ज्ञान उसे कहा जाएगा। इसलिए वृत्ति तत्त वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, अंतःकरण वृत्त्यवच्छेदरूपी अवच्छेदक के भेद से एक ही चैतन्य में, एक ही प्रमा में, एक ही ज्ञान में परोक्षत्व अपरोक्षत्व और वृत्तव न विरोधा, एक ही ज्ञान में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व होने में कोई विरोध नहीं है, परमारूपी चैतन्य में एक ही दोनों के वृत्ति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवच्छेदक भिन्न भिन्न हो गया ना, अलग अलग वृत्ति अवच्छेदे न, यानी मतलब पर्वत पर्वताकार वृत्ति अवच्छेदे न ज्ञान हो गया, परोक्ष गया, प्रत्यक्ष हो गया, अपरोक्ष हो गया, और वान्याकार वृत्ति अवच्छेदेन ज्ञान क्या हो गया, अपरोक्ष हो गया, वान्याकार वृत्ति अवच्छेदेन परोक्ष आ गया, तो ज्ञान में परोक्षत्व आया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब निष्कृष्ट दिखा रहे, तथा च तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्व तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान से तत्तद अंशे प्रत्यक्षत्व। तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय, तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय घटपट आदि, जैसे चक्षुर इंद्रिय के योग्य विषय क्या है, घटपट आदि, तो तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन, जो विषय चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य का अभेद होगा किससे, वो प्रमाण चैतन्य तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान से, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, अगर विषय हम घट को ले रहे तो घटाकार वृत्ति से भी घटावच्छिन्न चेतन और घटाकार वृत्तिवच्छिन्न चेतन दोनों का भेद होने पर तो तत्तद अंशे प्रत्यक्षत्वम, इसलिए वह जो घटाकार वृत्तिवच्छिन्न ज्ञान घट अंश में क्या हो गया, प्रत्यक्षत्व यही है कि प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो जाना, यही ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष।
तो ज्ञानस्य यानी तदाकार प्रत्यवचन ज्ञानस्य तत्तद अंश प्रत्यक्षत्व, घटपट आदि अंश में प्रत्यक्षत्व क्या हुआ कि तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावचन चैतन्य के साथ अभेद हो गया, जो अभिन्नत्व यही प्रत्यक्ष आ गया। तदाकार तदाकार प्रत्यवचन ज्ञान में प्रमाण चैतन्य में जो ज्ञान में वृत्तिवचन्य ज्ञान यही प्रमाण चैतन्य है, उसमें प्रत्यक्षत्व क्या हुआ कि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद आ जाना, यही हो गया प्रत्यक्ष, ये निष्कृष्ट हो गया। देखो यहाँ पे पूरा हुआ ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का विचार है संपन्न हुआ। आगे देखिए तो महाराज जी, हाँ जी, जो लास्ट में आपने बताया है ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ ना। हाँ यही, हाँ वही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण हो गया। मतलब इसी को प्रयोजक शब्द से बोल रहे कि मतलब ऐसा प्रयोजक हो, अभेद हो गया दोनों का, इसलिए ज्ञान में प्रत्यक्षत्व आ गया। तो ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक यही हो गया कि प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का अभेद हो गया, इसलिए ये लक्षण ही एक तरह से हो गया, लक्षण हो गया, लक्षण हो गया, कोई बात नहीं। देखिए आगे, घटादेर विषय से प्रत्यक्षत्व, अब तक तो ज्ञान में प्रत्यक्षत्व बताया गया, घटादि विषय में प्रत्यक्षत्व क्या है? घटादेर विषय से प्रत्यक्षत्वम तु प्रमात्र भिन्नत्वम, घटादि विषय में जो प्रत्यक्षत्व क्या है, प्रमात्र भिन्न, प्रमाता से अभिन्न हो जाना, प्रमाता से अभेद हो जाना, यही है विषय में प्रत्यक्षत्व। जो विषय प्रमाता से अभिन्न हो गया वह वही जो है उसी विषय का प्रत्यक्ष हो गया। अब यह शंका करेंगे भाई ऐसे कैसे प्रमाता से अभिन्न हो जाएगा, अनुभव हो रहा है मैं अलग हूँ, विषय अलग है, घट सामने है मैं अलग हूँ, वही कह रहे ननु कथम घटादेर अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्याभेद। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य तो भिन्न है ना, जीव अलग है, घटादि विषय अलग है, तो घटादि विषय का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद कैसे होगा, यानी नहीं हो सकता, आक्षेप कर रहे, कैसे कैसे होगा, मतलब नहीं होगा। अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात, क्योंकि अनुभव होता है ना, अहम इमं पश्यामि, अहम प्रमाता, इमं घटम पश्यामि, मैं प्रमाता इस घट को देखता हूँ, यानी घट अलग है मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान का करता हूँ, और घट क्या हो गया, ज्ञान का कर्म विषय बन गया, तो कर्म और कर्ता में भेद होता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि मैं हरिद्वार जाता हूँ मतलब मैं ही हरिद्वार हो गया, हरिद्वार अलग है मैं अलग हूँ, इसी प्रकार मैं घट को देखता हूँ तो मतलब घट हो गया ज्ञान का विषय, मैं ज्ञान का कर्ता हो गया, प्रमाता हो गया। तो अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात, मैं इस घट को देखता हूँ इस तरह से भेद अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ विरोध होने से घटादि का विषय का जीव के साथ प्रमाता के साथ अभेद कैसे हो पाएगा, क्योंकि आपने तो ये बताया ना घटादि घटादिर विशेष प्रत्यक्षत्व तो प्रमात्र अभिन्नत्व, घटादि विषय में प्रत्यक्षत्व क्या है, प्रमाता से अभिन्न हो जाना। तो यह सिद्धांति जवाब दे रहा, उच्चते बताते हैं, उच्चते इसका कर्ता कौन है, उच्चते उच्चते सिद्धांतिना मया, मया उच्चते, मया सिद्धांतिना उच्चते, बताता हूँ मया, बोले ना बताता हूँ तुम्हें, तो सिद्धांति पूर्व बोल रहे गुरु पक्षी, बताता हूँ उच्चते मया, मेरे द्वारा बताया जाता है, बताता हूँ आपको। प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम, घटादि विषय का प्रमाता के साथ अभेद होने का मतलब दोनों एक हो जाना, ऐसा नहीं कह रहे हम, एक हो जाने को अभेद नहीं कह रहे हैं, किंतु प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव, प्रमात्री सत्ता प्रमाता की जो सत्ता है उससे अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव होना, बहुवरी समास है, प्रमात्री प्रमातु सत्ता इति प्रमात्री सत्ता, पहले षष्ठी तत्पुरुष, और प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता, हाँ यस्य प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता यस्य घटस्य, प्रमात्री सत्ता यहा अतिरिक्ता सत्ता यस्य घटादे,
घटादि प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता कह, उसमें क्या रहेगा? प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता तत्वम। तो जब तक हम घट को नहीं देख रहे हैं, विषय की सत्ता प्रमाता की सत्ता से अलग है, लेकिन जब हम घट को देख रहे हैं तो विषय की सत्ता प्रमाता की सत्ता से अभेद हो जाएगा। कैसे होगा बता रहे हैं। तो प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव, यही है प्रमाता के साथ अभेद हो जाना। प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तत्व तो नहीं होना, अतिरिक्त सत्ता नहीं होना घटादि का, यही है प्रमाता के साथ अभेद हो जाना। देखो कैसे अभेद हो गया, प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कैसे नहीं है, कैसे दोनों की सत्ता अभिन्न हो गई, इसको दिखा रहे। तथा च इस प्रकार से घटादेह स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया, सभी पदार्थ अध्यस्त है, संसार के जितने पदार्थ है ना सब अध्यस्त है, आरोपित है, सब भ्रांति से सिद्ध है। कहाँ पे अध्यस्त है? हर एक पदार्थ व्यापक में अध्यस्त है क्या? सभी पदार्थ स्वावच्छिन्न स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। जैसे घट घट आकाश में है भाई, सब जगह आकाश ही जगह दे रहा है, घट आकाश में है, कौन से आकाश में है? कौन से तो बहुत दूर के आकाश में है क्या? सामने घट है, करो घट आकाश में है, तो घट कौन से आकाश में है? काशी वाले आकाश में है क्या? जहाँ घट जिस आकाश में घट है उसी आकाश में है, जहाँ घट है ना उसी आकाश में घट है, स्वावच्छिन्न आकाश में ही घट है। इसी प्रकार सभी पदार्थ कल्पित तो है, व्यापक में ही सभी थोड़ी कल्पित है, स्वावच्छिन्न चैतन्य में कल्पित, जहाँ जहाँ जो दिख रहे हैं ना वो स्वावच्छिन्न चैतन्य में ही अध्यस्त है सभी पदार्थ, ठीक है। तो सभी पदार्थ तथा च घटादे स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया, घटादि जो है कहाँ पे अध्यस्त है? स्वावच्छिन्न, जहाँ घटादि दिख रहे हैं उसी स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त, व्यापक में थोड़ी सब अध्यस्त है, चैतन्य तो व्यापक सब जगह घट है क्या? कहो व्यापक में अध्यस्त है, अरे व्यापक हर जगह के है क्या? हर जगह दिख रहा है क्या घट? जैसे आपका सवारा शरीर है, बोले व्यापक में अध्यस्त, व्यापक में तो हर जगह होना चाहिए फिर, तो व्यापक में नहीं, स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। ये देखो पंक्ति आ गई, तथा च घटादे स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया, घटादि जो विषय है अध्यस्त है, कहाँ पे अध्यस्त है? स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, कल्पित है, इसलिए विषय चैतन्य सत्ता व घटादि सत्ता, इसलिए घटावच्छिन्न चैतन्य की जो सत्ता है वही घट की सत्ता है। जैसे रस्सी में जो सत्ता स्फूर्ति है वही कल्पित सर्प में दिख रही है, इसी प्रकार घटादि जो विषय है पारमार्थिक है क्या? कैसे है फिर? व्यावहारिक है, सही है, व्यावहारिक है, मालूम है, बोला करो, मौनी बाबा बने रहते हो, जिसको मालूम पड़े पूछे तो बताएगा, भाई मौनी बाबा यहाँ क्यों बने हो? चलो देखो, तो घटादि कौन से कैसे है? व्यावहारिक है, बिल्कुल मिथ्या है ऐसा नहीं कह रहे, मतलब कुछ तुच्छ है, बंध्या पुत्र जैसा है ही नहीं, ऐसा नहीं, वो तो दिख रहा है ना, दिखने वाले पदार्थों को तुच्छ नहीं कह सकते कि बंध्या पुत्र जैसा तीनों कालों में है ही नहीं, पारमार्थिक रूप से तीनों कालों में नहीं है, व्यवहार काल में दिख रहा है तो उसको आप तुच्छ नहीं कह सकते, तुच्छ मतलब बंध्या पुत्र, जो कभी दिखता ही नहीं उसको तुच्छ कहते हैं, जो दिखता है उसको तुच्छ थोड़ी कहा जाता है, वो तो दिख रहा है, विचार करोगे तो उसका स्वरूप मालूम नहीं पड़ेगा, विचार करने संसार का जितना विचार करो, जैसे बालू के कुएं में जितना ऊपर चढ़ना चाहो उतना ही नीचे घसक खिसक के नीचे आ जाओगे, ऐसे संसार का जितना ही विचार करते जाओगे उतना ही वहाँ से सत्यता गायब होती चली जाती है। जरा विचार करो देखो क्या क्या सत्य है, शरीर में ही विचार करो क्या चीज है, शरीर है क्या चीज, आप जरा विचार करो, चमड़ी है शरीर क्या? वो बिना हड्डी के तो रहेगा नहीं, उसके अंदर फिर ना सुनाड़ी है ना, केवल वही शरीर है क्या? वही तो कुल मिला के भाई मिला जुला के बनी हुई सरकार थोड़े समय के लिए, हाँ,
यही है और कुछ नहीं है। नस नाड़ी सात धातुएं मिलकर के थोड़े समय के लिए व्यवहार चल रहा है। जैसे गाड़ी जो है कुछ टायर जोड़ दिए सब जोड़ दिए तब गाड़ी वाहन बन गया, उसी में चल रहे हैं, और फिर खराब हो गई तो उसको अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ते जो घटादि है कल्पित है, कहाँ पे कल्पित है, स्वावच्छिन्न चैतन्य में कल्पित है। इसलिए घटादि की सत्ता क्या है, विषय चैतन्य की सत्ता ही घटादि की सत्ता है। घटावच्छिन्न चैतन्य की जो सत्ता है वही सत्ता कहाँ दिख रही है, घट में दिख रही है। इसी प्रकार पटावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता ही कहाँ दिखेगी, पट में दिखेगी। तो विषय चैतन्य की सत्ता ही घटादि की सत्ता है। क्यों, देखो कारण बता रहे, अधिष्ठान सत्तातिरिक्ता या आरोपित सत्ता या अनंगीकारात्। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की सत्ता नहीं मानी जाती, सर्प की कल्पित सर्प की अपनी सत्ता नहीं मानी जाती। वहां जहां दिख रहा है उसी अधिष्ठान की सत्ता, रज्ज और छिन्न चैतन्य निष्ठ जो सत्ता है वो सर्प में दिखाई पड़ती है ना। तो अधिष्ठान चैतन्य सत्ता, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता आरोपित की सत्ता की नहीं मानी जाती। अब देखिए अब यहां पे तो कुल मिला करके विषय चैतन्य की सत्ता ही घटादि सत्ता है, अलग से घटादि की अपनी सत्ता नहीं है। विषयावच्छिन्न चैतन्य और विषय चैतन्यम च पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्री चैतन्यम एव। और विषय चैतन्य तो पूर्वोक्त प्रकार से प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो गया। पूर्व में दिखाए थे कि विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण वित्तावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो गए, क्योंकि जहां घट है वही घटाकार वृत्ति बनेगी। तो घट और घटाकार, हाँ ठीक है, घट और घटाकार वृत्ति एक ही देश में है, इसलिए प्रमात्री प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य क्या हो गए, एक हो गए। अब जो अंतःकरण की वृत्ति है ना, अंतःकरण से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि अंतःकरण का ही एक देश है। अंतःकरण की वृत्ति क्या है, अंतःकरण से भिन्न नहीं है, इसलिए अंतःकरण वित्त अवच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमाण चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अतिरिक्त है क्या, इसलिए अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न होने की वजह से अंतःकरण वित्त अवच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमाण चैतन्य, वह अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमात्री चैतन्य। तो प्रमाण चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो गया, तो विषय चैतन्य से अभिन्न हुआ प्रमाण चैतन्य, और प्रमाण चैतन्य से अभिन्न हो गया प्रमात्री चैतन्य। तो विषय चैतन्य किससे अभिन्न हो गया, प्रमात्री चैतन्य से। तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्वम, तद अभिन्न है ना। जैसे 1 किलो बटखरा से पहले ईंट नाप लिए, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वाले से कोई 2 किलो सब्जी दे दो, ठीक है। अब एक के पास, एक आदमी के पास नहीं है, दूसरे से 1 किलो का वो बटखरा जो है जो बाट लेके उसे ईंट नाप लिया, ईंट 1 किलो का बना लिया, उसको लौटा दिया। अब ईंट से जो है अभिन्न सब्जी नापा, तो सब्जी कितने की होगी, तो तद अभिन्न अभिन्न से 1 किलो का बाट, उससे अभिन्न ईट, उससे अभिन्न सब्जी, वह सब्जी 1 किलो नहीं होगी। तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्नत्व, ये न्याय है। मैंने नहीं सोचा कि ऊपर ऊपर से ही बता दे रहे ये तो कहीं से भी बोल देते हैं, लिख ले न्याय लिख लेना, तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्नत्व, तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व। तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व, तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व। अब यहां घटाइए, विषय चैतन्य से अभिन्न प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य से अभिन्न प्रमात्री चैतन्य। तो तद यानी विषय चैतन्य भिन्न प्रमात्री प्रमाण चैतन्य भिन्न से प्रमात्री चैतन्य से विषय चैतन्य भिन्नत्वम, तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्वम। ठीक है, तो अब देखिए
विषय चैतन्य की सत्ता ही विषय में दिख रही है, तो घट की सत्ता प्रमात्रि सत्ता से अतिरिक्त हुई क्या? नहीं। इसलिए प्रमाता के साथ घट का अभेद हो गया, इसलिए घट प्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो जहां विषय की सत्ता प्रमात्रि सत्ता से अभिन्न हो जाए वहां विषय को प्रत्यक्ष कहा जाएगा, और जहां विषय की सत्ता प्रमात्र सत्ता से अभिन्न नहीं हुई, जैसे पर्वत में जो वहनी है, अब वहन्याकार वृत्ति वहां बनी ही नहीं, वहन्याकार वृत्ति तो अंतःकरण में बन रही है और वहनी पर्वत में है, इसलिए वहन्यावच्छिन्न चैतन्य वहन्याकार वृत्ति और अवच्छिन्न चैतन्य दोनों का भेद हुआ? नहीं हुआ। जैसे पुल टूट गया तो उस पार नहीं जा पाओ, ऐसे यहाँ भी पुल टूट गया समझ लो, मतलब वहां वृत्ति नहीं बनी, इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य से अभेद नहीं हुआ, इसलिए प्रमाता के साथ अभेद नहीं हो पाएगा। प्रमाण चैतन्य और प्रमात्रि चैतन्य भले अभेद है, किंतु विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य के साथ अभेद नहीं हो पाया, इसलिए वहां पे विषय की सत्ता अनुमिति स्थल पे विषय की सत्ता अलग है, प्रमाता की सत्ता अलग है, इसलिए विषय का प्रमाता के साथ अभेद अनुमिति आदि स्थल पे नहीं होता है। इसी प्रकार परोक्ष जो धर्म है, स्वर्ग है, देवता है, ये सब का अभी तक शब्द से सुन के रखे हैं, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। देवता का तो प्रत्यक्ष होता है, धर्म और स्वर्ग का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, अच्छे पुण्य कर्म करके जा सकते हो, लेकिन धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। और स्वर्ग आदि का भी अभी तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, भले पुण्य करके स्वर्ग गए तो आपको प्रत्यक्ष होगा, धर्म का तो प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा, धर्म क्योंकि प्रत्यक्ष की योग्यता ही नहीं है, आंख से नहीं दिखता धर्म, इसलिए वो जो है ना उनका प्रमाता के साथ अभेद नहीं हो पाएगा, इसलिए धर्म आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता प्रमाता के साथ, क्योंकि उनका अभेद नहीं होता, इसलिए धर्म आदि का प्रत्यक्ष नहीं होगा, विषय का वहां प्रत्यक्ष नहीं। देखो यही पे विषय चैतन्यम च पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यम एवं, उसी प्रकार से लेना तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व, इस नियम से विषय चैतन्य पूर्वोक्त प्रमात्र चैतन्य रूप हो गया, क्योंकि विषय चैतन्य का भेद प्रमाण चैतन्य के साथ और प्रमाण चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न है, इसलिए विषय चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न हो गया। इति प्रमात्र चैतन्य सेवा घटादि अधिष्ठानतया, तो कुल मिलाकर के प्रमात्र चैतन्य घटादि का क्या हो गया? अधिष्ठान। इसलिए प्रमात्र सत्ता एवं घटादि सत्ता नान्या, प्रमाता की सत्ता ही घटादि की सत्ता हुई, अन्य हुई क्या? नहीं हो पाए। इति सिद्धम घटादेर अपरोक्षत्व, इस तरह से घटादि में अपरोक्षत्व अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व सिद्ध हो गया, घटादि का अपरोक्षत्व सिद्ध हो गया। आगे अनुमित्यादि स्थले, अनुमिति आदि स्थल में ऐसा क्यों नहीं होता है? स्वयं देखिए बता रहे, अनुमित्यादि स्थले तो अंतःकरण से वहन्यादि देश निर्गमना संभवे न, अनुमिति आदि स्थल में जो अंतःकरण है उसका वहन्यादि देश में निर्गमन होता है क्या? वहां निकल करके जाएगी? नहीं, निर्गमन संभव नहीं है, निर्गमना भावे न। वहन्यावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया, तो वहन्यावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न हुआ? तदात्मक हुआ? नहीं हुआ, अनात्मकतया, प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया, वहन्यावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य आत्मक नहीं हुआ, प्रमात्र चैतन्य स्वरूप नहीं हुआ, क्योंकि अभेद नहीं हो पाया भाई, विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का अभेद नहीं हुआ, क्योंकि प्रमाण चैतन्य अंतःकरण में रह गया, प्रमात्र चैतन्य भी वही है और विषय चैतन्य वहनी पर्वत देश में है, वहन्यावच्छिन्न चैतन्य, इसलिए वहां पे प्रमात्र चैतन्य और विषय चैतन्य का अभेद नहीं हो पाया, इसलिए वहन्यावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया, वहन्यादि सत्ता प्रमात्र सत्ता तो भिन्ना, इसलिए वहन्यादि की सत्ता प्रमात्र सत्ता से क्या हो गई? भिन्न हो गई। इति नाति व्याप्ति, इसलिए प्रत्यक्ष का विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण परोक्ष विषय में जाएगा, वहनी आदि में जाएगा? नहीं, अति व्याप्ति नहीं है भाई, प्रमाता के साथ अभेद होना चाहिए, प्रमाता के साथ वह अभेद हुआ ही नहीं, इसलिए वही लक्षण लेना, प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव, ये प्रमाता के साथ अभेद, प्रमाता के साथ अभेद के ही अर्थ है। तो जहां प्रमाता के साथ अभेद हो गया
वहां पे विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है। जहां प्रमाता के साथ अभेद नहीं हुआ, विषय के का प्रत्यक्ष नहीं होता है। फिर आगे देखिए, बोले चलो ठीक है, वहां तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं दूसरी जगह तो अति व्याप्ति है। देखो, ननु एव अपि धर्माधर्मादि गोचरानुमिति उन्मित्यादि स्थले, धर्म विषय का अनुमिति होती है कि नहीं, अयम पुरुष धार्मिक मालावत्वात्, हाँ यह पुरुष बड़ा धार्मिक है, क्योंकि माला वाला कोई पहना हुआ है, यानी किसी को माला पहना दिए, सम्मान थोड़ा स्तुति आदि होने लगी, अयम पुरुष धार्मिक मालावत्वात्, माला किसी ने पहना है मतलब वो धर्म धर्म किया है, तभी तो उसे सम्मान मिल रहा है। और अयम पुरुष धार्मिक निंदितत्वात्, किसी की निंदा हो रही है, चप्पल पहना रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं कुछ, तो अयम पुरुष धार्मिक निंदितत्वात्, अनुमान हो जाता है कि नहीं, अनुमान होता है धर्माधर्मादि। तो ननु एवंपि धर्माधर्मादि गोचर अनुमित्यादि स्थले, धर्माधर्मादि विषयक जो अनुमिति होती है, अनुमान कहाँ किए, अंतःकरण में, अथवा सुन करके स्वयं अनुमान कर लिए कि मैं धार्मिक हूँ, क्योंकि माला आदि मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो धर्माकार वृत्ति कहाँ बनेगी और धर्म कहाँ रहता है, वो भी अंतःकरण में। तो धर्माकार धर्मावच्छिन्न चैतन्य, धर्माकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों का भेद हो गया। और धर्माकार वृत्ति और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, धर्म अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से भेद है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अतिरिक्त नहीं है, तो तीनों का भेद हो गया है ना। धर्म रूपी विषय भी अंतःकरण में रहा, वृत्ति भी अंतःकरण में रही, तो इसलिए विषय अवच्छिन्न चैतन्य का धर्म अवच्छिन्न चैतन्य का धर्माकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हुआ, और उस धर्माकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हो गया। तो इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का धर्मावच्छिन्न चैतन्य से अभेद हो गया, तद अभिन्न भिन्न से तद अभिन्नत्व, इसलिए प्रमाता से अतिरिक्त नहीं रहा, तब तो धर्म और अधर्म दोनों भी प्रमाता से अभेद हो गए, तब तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, लक्षण वहाँ अति व्याप्ति हो रही है, उनको प्रत्यक्ष होने की आपत्ति है। ननु एवं अपि धर्माधर्मादि गोचरानुमित्यादि स्थले, धर्मा धर्म और अधर्म आदि विषयक जो अनुमिति आदि से और भी ले सकते, देवता स्वर्ग ये सब विषयक जो अनुमिति आदि स्थल पे, अच्छा स्वर्ग तो नहीं ले सकते, कोई सुख नहीं, जो अंतःकरण, हाँ संस्कार क्या आपके अंदर बड़ा अच्छा संस्कार है, संस्कार को ले सकते है ना, तो आपके अंदर बहुत अच्छे उत्तम संस्कार है, मालूम पड़ा आपको शब्द सुन करके, तो संस्कार भी अंतःकरण में है और संस्कार विषय वृत्ति भी अंतःकरण में बनेगी, तो इस तरह से वहाँ भी उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, आपत्ति है। अनुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयो प्रत्यक्षत्वापत्ति, क्यों, धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्री चैतन्य अभिन्नतया, धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य का क्या हुआ, प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो गया, क्योंकि धर्माकार वृत्ति भी अंतःकरण में बन रही है, अनुमान कर रहा है हम धार्मिक मालावत्वात, स्वयं अनुमान कर रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है किसी, भाई मैं तो धार्मिक, ऐसा लग रहा है धर्म किया है मैंने, किसी कवि आदमी है ना, भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसा लग रहा है पिछले जन्म का पुण्य जग गया है, पिछले जन्म का पुण्य जगा हुआ है, तभी इतनी मुझे सब कृपा कर रहे हैं, थोड़ा सा भले विपरीत परिस्थिति आ जाए तो नाराज हो जाए, तुरंत नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्री चैतन्य अभिन्नतया, धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से क्या हो गया, अभिन्न हो गया, इसलिए धर्मादि सत्ता या प्रमात्री सत्ता अनतिरेकात, धर्मादि की सत्ता प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त नहीं रही, अनतिरेकात अतिरिक्त नहीं हुई, इति चेत, इस तरह से जो धर्माधर्म धर्म अधर्म आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वहां पे भी देखो प्रत्यक्ष का लक्षण जा रहा है। तो सिद्धांतिकरण, न ऐसा मत कहो, योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्, विषय का विशेषण देंगे योग्यता, योग्यता भी विषय का विशेषण है,
ठीक है, तो जहां विषय योग्य होगा तब उसका प्रत्यक्ष होगा, और जहां विषय योग्य नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए वहां पे योग्यत्व सति प्रमात्रि सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्। हाँ, तो देखो जो दिए ना प्रमात्रि सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव, तो योग्यत्व सति प्रमात्रि सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वा भाव विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्, यहाँ तक आ जाएगा। तब योग्यता दे देने से अब धर्मा धर्म अधर्म संस्कार आदि में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है, इसलिए योग्यता नहीं होने की वजह से वहां पे लक्षण की अति व्याप्ति नहीं होगी। बोले चलो ठीक है, वहां तो नहीं अति व्याप्ति होगी, लेकिन कहीं दूसरी जगह हो रही है, और भी थोड़ा परिष्कार करना पड़ेगा ना, हमारी बुद्धि परिष्कृत हो जाए इसके लिए, नहीं तो बोले क्या झंझट खड़े खड़ा करके रखते हैं बारम्बार, ऐसा नहीं सोचना। अभी तो इतना मेहनत करे, बार बार क्यों झंझट खड़ा कर देते हैं। हमारी बुद्धि का परिष्कार के लिए, बुद्धि में हमारी सूक्ष्मता है, अभी तभी तो वेदांत विचार कर पाओगे, कैसे थोड़ी कुछ भी वेदांत विचार किसी नहीं तो किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। सूक्ष्मता आनी चाहिए ना बुद्धि में, सूक्ष्म चीज़ों का विचार करने की योग्यता। चलो देखो, नन एवं अपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले, जब प्रत्यक्ष हो रहा रूपी घट, रूपवान घट, रूपी कैसे बनेगा, रूपी रूपी कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। चलिए आप बता दीजिए, कमाल है, आप बताइए रूपी, बोलो आता ही नहीं ठना, बोलो रूपम से अस्तित्व रूपी, धनम से अस्तित्व धनी, बलम से अस्तित्व बली, रूपम से अस्तित्व रूपी, रूपी यानी रूपवान, अतः इन ठनव अदंत है ना, इन्हीं हो जाएगा। रूपी घटा इति प्रत्यक्ष स्थले, रूप वाला रूपवान, रूपी का था रूपवान, रूप वाला है घट इति प्रत्यक्ष स्थले, तो घटगत परिमाण आदि है प्रत्यक्षत्वापत्ति, तो घटगत परिमाण आदि का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि देखिए न्याय मत में भी आप पढ़े हो, कुछ धर्म होते व्याप्य वृत्ति होते हैं, कुछ धर्म होते अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति क्या क्या है, संयोग विभाग ये सब अव्याप्य वृत्ति, संयोग हर जगह नहीं रहता है। जैसे हस्त पुस्तक संयोग, पूरे हस्त के साथ संयोग है क्या, पूरे पुस्तक का संयोग है हस्त के साथ, एक देशावच्छेद, इसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति गुण, है ना। लेकिन जो पुस्तक का रूप है ये पूरी पुस्तक में है, शरीर का रूप पूरे शरीर में रहेगा, ये नहीं कह सकते कि एक देश में रूप रहेगा एक देश में नहीं। इसी प्रकार परिमाण, मध्यम परिमाण जो है, मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व, शरीर का परिमाण है इसका परिमाण है, ये पूरे द्रव्य में रहेगा, ये नहीं कि द्रव्य के एक देश में रहेगा। तो जिस घट में पूरे घट में व्याप्त है रूप, उसी पूरे घट में घट का परिमाण नहीं व्याप्त है क्या, घट का गंध भी पूरे घट में ही है। तो जिस समय रूप रूपी घट ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है, तो परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां रूप है जितने देश में, पूरे पूरे घट में परिमाण भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, इन सब का भी उसी काल में प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि देखिए रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणावच्छिन्न चैतन्य, तो जहां रूपाकार वृत्ति बनी वहीं पे परिमाण भी है कि नहीं। तो यदि आप कहोगे रूपावच्छिन्न चैतन्य और रूपाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद हो रहा है, तो परिमाणावच्छिन्न चैतन्य का भी तो अभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने देश में रूप है उतने ही देश में परिमाण भी है। तो रूपी घट इस प्रत्यक्ष काल में परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, गंध का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और स्पर्श का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये सब आपत्ति रहेगी। देखो वही करे, ननु एवं अपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाण आदि प्रत्यक्षत्वापत्ति, क्यों, क्योंकि रूपावच्छिन्न चैतन्य से परिमाणावच्छिन्न से च एकतया, दोनों एक ही है, क्यों, क्योंकि दोनों का अधिष्ठान एक ही है,
घटावच्छिन्न चैतन्य में ही घट कल्पित है, रूप भी कल्पित है, परिमाण भी कल्पित है। तो ये दोनों एक ही है, घटावच्छिन्न चैतन्य में ही कल्पित है एकतया, रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य भेदे, परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य से भी प्रमात्र अभिन्नतया। रूपावच्छिन्न चैतन्य जैसे किसी गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी जहाँ जाएगी, एक आदमी जहाँ जाएगा वही आप भी जाओगे, सभी जाएंगे एक ही जगह। ऐसे अब देखो, जितने घट में रूप है उतने ही घट में परिमाण भी है, पूरे घट में ही है। तो रूपावच्छिन्न चैतन्य का अगर प्रमाता के साथ अभेद किया वृत्ति के माध्यम से, तो परिमाणावच्छिन्न चैतन्य का भी प्रमाता के साथ अभेद हो गया। रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभेदे, परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य से अपनी प्रमात्र अभिन्नतया, वह भी प्रमाता के साथ क्या हो गया, अभिन्न हो गया। इसलिए परिमाणादि सत्ताया प्रमात्री सत्तातिरिक्ता तत्वाभावात्, और परिमाणादि की सत्ता प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त रही रही क्या, अतिरिक्त नहीं रही। जितने देश में रूप है वो उतने देश में वृत्ति बनी, उतने ही देश में परिमाण भी। तो परिमाण आदि की जो सत्ता है प्रमात्री सत्ता से अभिन्न हो गई वृत्ति के माध्यम से। इसलिए रूपी घट इस प्रत्यक्ष काल में परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये आपत्ति है। इति चेत, यहां तक आए पूर्व पक्षी, सिद्धांती जवाब दे रहा है, ना ऐसा मत कहो। तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्वस्यापि प्रमात्री विशेषणत्वात्, प्रमाता का विशेषण तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्व योग्यते सति तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव है ना, ऐसा दे देंगे तो तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्व, ये प्रमाता का विशेषण दे देंगे। तो रूपाकार वृत्ति दशायाम परिमाणाद्याकार वृत्ति अभावेन, तो जिस काल में रूपाकार वृत्ति है, रूपाकार वृत्ति मतलब रूप विषयक वृत्ति, जिस काल में रूपाकार वृत्ति है उस काल में परिमाणाद्याकार वृत्ति है क्या? एक काल में एक ही वृत्ति रहती है, एक काल में दस सभी वृत्ति नहीं होती। तो रूपाकार वृत्ति दशा में परिमाणाकार अथवा गंधाकार स्पर्शाकार ये वृत्ति है नहीं है। रूपाकार वृत्ति दशायाम परिमाणाद्याकार वृत्ति अभावेन, परिमाणाद्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य भिन्न सत्ता तत्वाभावेन है ना। तो रूपाकार वृत्ति दशा में रूपाकार वृत्ति उपहित होगा प्रमात्र चैतन्य, क्योंकि देखिए प्रमाण पर प्रमाण चैतन्य प्रमात्र चैतन्य का भेद हो गया। अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है, ठीक है, क्योंकि अंतःकरण का परिमाण परिणाम है। इसलिए प्रमात्र चैतन्य जो हुआ प्रमाण चैतन्य के साथ अभिन्न हो गया कि नहीं, तो अंतःकरण वृत्ति रूपी उपाधि वाला प्रमात्र चैतन्य है, उस वृत्ति से उपहित है प्रमात्र चैतन्य, ठीक है। अंतःकरण वृत्ति रूपी उपाधि से उपहित है प्रमात्र चैतन्य, यानी उस उपाधि के अंतर्गत आया हुआ है प्रमात्र। जैसे देखो घट के भीतर जो आकाश आए उसको कहें घटोपहित, घट रूपी घटावच्छिन्न भी कहते घटोपहित भी कहते, विशेषण जहाँ विशेषणत्व की वैसे तो अवच्छिन्न वहाँ पे उपहित ही लिया जाएगा, क्योंकि घट में तो आकाश में तो मतलब विशेषण संबंध नहीं बनता ना। और जहाँ नील आदि है वहाँ तो अवच्छिन्न वहाँ उसका मुख्य अर्थ घटेगा क्योंकि विशेषण हो रहा है। यहाँ चैतन्य में क्या मुख्य रूप से वही उपहित मतलब उस उपाधि के अंदर अंतर्गत आया हुआ चैतन्य। तो रूपाकार वृत्ति रूपी उपाधि के अंतर्गत आया हुआ जो प्रमात्र चैतन्य है ना, तो उस प्रमात्री चेतन तो उस रूपाकार वृत्ति है, रूपाकार वृत्ति के माध्यम से रूप का प्रमात्री चेतन के साथ अभेद होगा है ना। रूप रूपावच्छिन्न चैतन्य का भेद हुआ तो रूप भी कल्पित है रूपावच्छिन्न चैतन्य में, रूप का भेद हुआ परिमाण का भेद होगा क्या? जिस काल में रूपाकार वृत्ति है परिमाणाकार वृत्ति है क्या? परिमाणाकार वृत्ति नहीं होने की वजह से रूपाकार वृत्ति रूपी उपाधि से उपहित है प्रमात्र चैतन्य, उससे अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव रूप में आएगा परिमाण में नहीं आएगा, क्योंकि हमने विशेषण दे दिया ना यहाँ पे
भाई लक्षण को लेके अति व्याप्ति दे रहे हैं ना, लक्षण का हमने परिष्कार कर दिया कि तत् तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य, हाँ प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, पहले योग्यत्व दिए, योग्यत्वे सति तत् तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, योग्य होते हुए तो तत् तदाकार से यहाँ लीजिए रूपाकार, रूपाकार वृत्त्युपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता तत्वाभाव रूप में आएगा, परिमाण में थोड़ी आएगा, क्योंकि रूपाकार वृत्ति है परिमाणाकार है नहीं, तो परिमाणाकार वृत्ति नहीं बनने की वजह से परिमाण का प्रमात्री प्रमाता के साथ अभेद नहीं हो पाएगा, यही कह रहे। रूपाकार वृत्ति दशायाम परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावे न परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्री चैतन्याभिन्न सत्ता तत्वाभावे न, परिमाणाद्याकार से उपहित, परिमाणाद्याकार वृत्ति से उपहित प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न सत्ताकत्व परिमाण में आया नहीं आया, क्योंकि रूपाकार वृत्ति है वो तो रूप में आएगा, रूपाकार वृत्ति वृत्त्युपहित प्रमात्री चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व का अभाव रूप में आएगा, परिमाण में नहीं आएगा क्योंकि उस समय परिमाणाकार वृत्ति नहीं है। तो परिमाणाकार परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्री चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वा भावेन अति व्याप्ति अभावात्, इसलिए परिमाण में अति व्याप्ति नहीं है, इस तरह से अति व्याप्ति वहाँ नहीं है। अब आगे ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति यहाँ से हम लोग कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।